नरेंद्र मोदी कार्यकाल का अब अंतिम दौर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने काफी वक्त बीत चुका है और अब लोग इस पूरे कार्यकाल की समीक्षा कर रहे हैं। आज हमारे साथ बाड़मेर के पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और पंजाब इलेक्शन में मिली जीत के बाद अब गुजरात फतेह करने की जब बारी है और राजस्थान की जब तैयारी है, तब उनकी यहाँ पर किस तरीके से रणनीति है और वो क्या सोचते हैं कि राजस्थान में वो पंजाब का जादू फिर से दिखा पाएंगे। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको बने इतना वक्त बीत चुका है, अब क्या लगता है कि कांग्रेस की वापसी का दौर इस सरकार के समीक्षा के बाद आ चुका है? नरेंद्र मोदी जी की सरकार सिर्फ भाषण और जुमलों की सरकार बनकर रह गई है। देश हर क्षेत्र के अंदर आज विषम परिस्थितियों के अंदर है। आर्थिक तौर पर देश की स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो चुकी है। विकास दर जो 3.7% ही है, यशवंत सिन्हा जी ने जैसा कहा था, उस विकास दर कम होने के कारण आज देश का आम नौजवान जिसको सबसे जरूरी रोजगार चाहिए, वो नई नौजवानों को रोजगार मिलना तो अलग, लाखों की तादाद के अंदर नौजवानों को रोजगार छीना गया। हर क्षेत्र के अंदर आज यही स्थिति है। सरकार की तरफ से फैसले होना, योजना होना तो अलग बात, जो हमारी हिंदुस्तान की परंपरा ही रही है, जो हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति रही है, उन परंपरा और संस्कृति के ऊपर भी बहुत बड़े प्रहार हो रहे हैं पिछले 4 वर्षों के अंदर। उदाहरण के तौर पर जो टोल की नई संस्कृति नरेंद्र मोदी जी और उनके सहयोगियों ने करी, उसने अपने न्यूनतम स्तर को पिछले दिनों में छुया। यशवंत सिन्हा जी ने अपने एक लेख के अंदर नरेंद्र मोदी जी को कुछ अपनी बातें बताई, जिसमें मुख्य बातें थी कि विकास दर 5.7 नहीं है, विकास दर 3.7 है। नरेंद्र मोदी जी को चाहिए था या तो खुद जवाब दे या फिर वित्त मंत्री से जवाब दे या सरकार की तरफ से कोई प्रवक्ता जवाब दे। मेरे देश की संस्कृति नहीं है, हमारी परंपरा नहीं। दुर्भाग्य से नरेंद्र मोदी जी ने यशवंत सिन्हा जी के बेटे को ही अपने बाप के सामने उतारा जवाब देने के लिए। इसलिए सिर्फ अर्थव्यवस्था और सरकारी फैसले और योजना के संदर्भ में भी नहीं, जो हमारी परंपरा और जो हमारी संस्कृति रही है, देश के किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले से कभी भी कोई बात करी तो देश और दुनिया ने उस पर विश्वास किया। नरेंद्र मोदी जी प्रथम प्रधानमंत्री है जिन्होंने पिछले 15 अगस्त को जो बात की, अगले 4 दिन तक पूरी देश ही नहीं दुनिया के अंदर इस बात का दौर चला के फैक्ट फाइंडिंग कि क्या नरेंद्र मोदी जी ने सही किया और क्या नरेंद्र मोदी जी ने गलत कहा। ये हालात बना दिए नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के पद की, देश की गरिमा की। देखिए सर, आंकड़े बार बार जो पेश किए जाते हैं कि साहब अर्थव्यवस्था बहुत सुधर रही है, व्यापार सरलीकरण के मामले में हम 100वें स्थान पर हैं और पूरे वो जो संस्था है ये आंकड़े जारी कर रही है, भारत सरकार का उसके ऊपर कोई कंट्रोल थोड़ी है? अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो आंकड़े कह रहे हैं और जो फैसले हो रहे हैं, पिछले दिनों 2 लाख करोड़ रुपये जो बैंकों के अंदर जो बड़े उद्योगपति हैं उनके NPA अकाउंट से जो बैंकों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है उसको ठीक करने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए। सवाल ये उठता है, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर आई, 2 लाख करोड़ के करीब NPA बड़े उद्योगपतियों का था, वह NPA में सुधार होना तो अलग बात, 4 गुना के लगभग बढ़े, 8 लाख करोड़ से ज़्यादा वह NPA अकाउंट के अंदर बढ़ोतरी हुई है। 8 लाख करोड़ रुपए बड़े उद्योगपतियों के लिए। किसान जब अपने लिए कुछ मांगता है तो लाठी चार्ज हो रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम लोगों ने देखा। आज देश के किसान, देश के नौजवान आत्महत्या
की तरफ ये फैसले प्रेरित कर रहे हैं। सर, राजस्थान की बात करें तो वसुंधरा राजे सरकार को भी इतना कार्यकाल हो गया है कि अब कांग्रेस तैयार हो चुकी है कि वापस मैदान में आमने सामने हो। तो बाड़मेर की अगर बात करें तो बाड़मेर में कांग्रेस क्या देख रही है, जो आपके पास उम्मीदवार हैं या जो उम्मीदवार पहले से ही आपने तय कर रखे हैं, क्या ऐसा भी है कि कांग्रेस में तय करने की परंपरा है? एक सवाल भी ये भी रहेगा। साथ ही मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या युवाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि आज की राजनीति में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। कांग्रेस के अंदर राजस्थान को लेकर बहुत ही बड़ा आत्मविश्वास है। राजस्थान में आने वाले समय विधानसभा के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसे राजस्थान में हालात थे। जहाँ तक टिकट वितरण के संदर्भ में सवाल है, कांग्रेस के अंदर सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है, जो उसके पास अधिकार है कि टिकटों का फैसले करने का। देश के तमाम कांग्रेस के सदस्यों ने पीसीसी डेलीगेट बनाया और पीसीसी डेलीगेटों ने स्वर समिति से ही अधिकार पहले भी सोनिया गांधी जी को दिया, इस बार उन्होंने राहुल गांधी जी को बनाने का प्रस्ताव भेजा है। आने वाले दिनों के अंदर राहुल गांधी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे और ये अधिकार राहुल गांधी जी को दिया गया है कि वो सीईसी का गठन करे और सीईसी फैसला करे टिकटों के संदर्भ में। जहाँ तक रही अपनी राय रखने की बात, अपनी राय रखने का अधिकार और व्यवस्था कांग्रेस के अंदर है। कांग्रेस का हर सदस्य आंतरिक तौर पर अपनी राय रख सकता है और राय के अंदर अगर भिन्नता हुई तो भी कांग्रेस के अंदर उस चीज़ के रोकने की कोई व्यवस्था नहीं, वो स्वतंत्रता है, पर कांग्रेस के संगठन के अंदर आंतरिक तौर पर राय रखने की व्यवस्था कांग्रेस के अंदर है। तो आने वाले समय में टिकटों का फैसला सीईसी करेंगे और कांग्रेस बुजुर्गों को भी लेकर चलने वाली सोच रखती है, नौजवानों को भी लेकर। कांग्रेस की सोच समग्र कि सबको साथ में लेकर जाए, किसी बुजुर्ग को इग्नोर नहीं करना और युवाओं को भी साथ लेकर चलने की कांग्रेस की सोच, इसलिए सब आयु के लोगों का विधानसभा के माध्यम से प्रतिनिधित्व मिलेगा। इन दिनों सर पार्टी में भाजपा के द्वारा कांग्रेस के नेताओं को लिया जा रहा है, कांग्रेस में भाजपा के नेताओं का आने का थोड़ा सिलसिला कम है। बताया जा रहा है कि पिछले दिनों एक कार्यक्रम में सोशल साइट्स पे आपने ये निमंत्रण दिया कि कर्नल सोनाराम चौधरी, जो पहले आपके कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, आपने कई बार उनको सांसद बनाया, उनको भी आपने निमंत्रित किया, और जसवंत सिंह के पुत्र जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं और वर्तमान विधायक भी, उनको भी आपने निमंत्रित किया। एक पत्रकार वार्ता में मेरे से सवाल पूछा गया कि कर्नल सोनाराम जी कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं क्या। मैंने कहा किसी व्यक्ति जो कांग्रेस की सोच और सिद्धांत से सहमत है उसको कांग्रेस में आने के लिए दरवाजे खुले हैं। कांग्रेस सामंजस्य की राजनीति करता है, कांग्रेस समानता की राजनीति करते हैं, हर किसी के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। पर कांग्रेस का जो विचार और विचारधारा है कि सबको साथ में लेकर और जो पिछड़ा हुआ है, कमजोर है, उसको प्राथमिकता से आज्ञावान रखकर कांग्रेस पार्टी के हर समय ये सोच रही है। अगर इन चीज़ों से सहमत है तो कोई भी कांग्रेस में आ सकता है। इसका आंकलन कैसे होगा सर कि ये आप सहमत हो गए, क्योंकि जो अतीत का जुड़ा हुआ है कि कांग्रेस के नेताओं के साथ या उनके ऊपर आक्षेप लगाने में कर्नल सोनाराम चौधरी जिस तरीके से रहे, उन उस चीज़ों के बाद जब वो पार्टी छोड़कर वापस भाजपा के सांसद बने, तो फिर ये आंकलन कैसे होगा कि अब चलो जो पुरानी बातें थी वो सब खत्म हो गई, अब कांग्रेस में कर्नल साहब फिट बैठते हैं? ये तो कोई भी देश के नागरिक का प्रियोगेटिव है कि वो किसी सिद्धांत में विश्वास रखे और नहीं रखे, वो अपनी मंशा जाहिर करे और कांग्रेस संगठन ये तय करे कि उसकी मंशा सही है या गलत है। इसका आकलन करने का अगर किसी को अधिकार है वो कांग्रेस संगठन को है। मानवेंद्र सिंह जी के बारे में भी चर्चा थी कि हरीश जी ने उनको भी कहा कि अगर आप पार्टी की सिद्धांत और इससे सहमत है तो आ जाइए। कोई भी नागरिक, देश का कोई भी नागरिक के लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं, बेशर्ते वो कांग्रेस के सोच और सिद्धांत के अंदर सहमत हुई। सर अभी इन दिनों एक प्रकरण चल रहा है, साता प्रकरण, जिसमें आप भी
अपने समाज के साथ अगुआ बन के रहे, तो दूसरी जो दल हैं उनके द्वारा या दूसरा जो पक्ष है उनके द्वारा जब ये किया गया तो आपके ऊपर भी सवाल खड़े हुए कि ये गलत है, क्या कहेंगे आप? बाड़मेर के अंदर ऐसे कई प्रकरण हुए थे। पहली दफ़े मैं किसी प्रकरण के अंदर पीड़ित पक्ष के साथ नहीं रहा। डेल्टा मेघवाल का प्रकरण हुआ, उसके अंदर भी मजबूती से डेल्टा मेघवाल के साथ रहा। पिछले दिनों चौटन के अंदर एक महिला के साथ बलात्कार हुआ, उसमें उस महिला के साथ रहा। जहां कहीं भी अन्याय हुआ तो मैं अन्याय में पीड़ित पक्ष के साथ रहा। जो साता प्रकरण है उसमें प्रथम दृष्टि से जो चीजें दिखती है उसमें बीरमा राम के साथ ऐसे ही घटना हुई, उस घटना होने के कारण उसकी मृत्यु हुई, ये प्रतीक होता है। दूसरा क्या पक्ष से क्या सत्य है, दूसरे पक्ष से नहीं तो कभी मेरा संवाद हुआ और नहीं कोई मेरे को जानकारी है। अखबारों के माध्यम से और दूसरे माध्यम से जरूर अपने दूसरा पक्ष बात रख रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर जो दूसरा पक्ष है उससे एक समारोह में मिला, उनसे कभी मेरे उस संदर्भ में मेरे संवाद और कोई पक्ष पता नहीं चला। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत आकलन है, प्रथम दृष्टि से यह लगता है कि बीरमा राम की हत्या हुई है, और ये मेरा सोचना है, ये मेरा मानना है। और किसी के साथ अन्याय हुई तो वो समाज नहीं, न्याय और अन्याय के अंदर हर किसी नागरिक का दायित्व बनता है कि वो न्याय के साथ हुई। अगर किसको लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है तो समाज के अंदर कानून के अंदर व्यवस्था है, उनको आगे बढ़कर प्रयास करने चाहिए कि वो अपने आप को इस दोष से मुक्त करें। टकराव से कोई भी दोष मुक्त नहीं होता है। कोई अन्याय कर ले और फिर टकराव कर अपने आप को दोष मुक्त होने का अगर प्रयास करें तो इसी बात की तहीद करता है कि उसकी मंशा सही नहीं। सर, उस प्रदर्शन को भी काफ़ी दिन हो गए, फिर से ये अल्टीमेटम दिया गया था कि महापड़ाव भी होगा, तो प्रशासन, पुलिस, सरकार, बातचीत हुई कि इस मामले में नया अपडेट क्या है ताकि पब्लिक को भी पता चले कि जो आपकी मांगे थी उसके ऊपर कितना अभी तक काम हुआ है? बीरमा राम हत्याकांड संघर्ष समिति के बैनर तले ये आंदोलन हो रहा है। मेरे पास वो संघर्ष समिति आई, बीरमा राम के परिवार से भी मेरा मिलना हुआ। अभी तय करना बीरमा राम हत्याकांड संघर्ष समिति के ऊपर है कि अगला कदम वो क्या उठाएगी। मैं इस प्रकरण के अंदर न्याय के साथ खड़ा हूं और मेरा दायित्व तो बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि न्याय के साथ खड़ा रहना है। सर, सीआईडीसी भी इस मामले की जांच की, अपडेट कुछ है इसमें? बाड़मेर में पिछले दिनों जो पुलिस का कार्य प्रणाली रही है इसे बाड़मेर के अंदर पुलिस पर से विश्वास हटता जा रहा है। जालिपा के अंदर एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, आनव सानव के अंदर यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने क्लीन चिट दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, पर आज भी बाड़मेर के लोगों को इस बात का जवाब नहीं मिल रहा है क्या उस पीड़िता के साथ कुछ हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो किसने किया, ये सवाल आज भी खड़े हैं। आज बाड़मेर के अंदर आज़ादी के बाद पुलिस की विश्वसनीयता सबसे न्यूनतम स्तर पर है, इसी कारण ऐसे हालात बाड़मेर के अंदर बन रहे हैं कि पुलिस की विश्वसनीयता नहीं होने के कारण लोगों को दूसरा माध्यम पर जाना पड़ रहा है। सर, वापस राजनीतिक तरफ लौटते, गुजरात क्या संकेत दे रहा है? कांग्रेस की झोली में है, यानी गहलोत साहब वहाँ पर मुखिया बनकर पूरी कैंपेनिंग कर रहे हैं। मुखिया देश में राहुल गांधी जी हैं, प्रदेश में प्रदेश का नेतृत्व है। एक प्रभारी के तौर के अंदर अशोक गहलोत जी ने पहले भी कई राज्यों के अंदर कार्य किया और एक सशस्त्र भूमिका उनकी रही है, और प्रभारी के तौर पर गुजरात में भी हमें आशा या विश्वास नहीं कि गुजरात का स्थानीय नेतृत्व, राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी का नेतृत्व और प्रभारी के तौर पर अशोक गहलोत जी, उनके साथ में लगे हुए चारों सेक्रेटरीज बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं और गुजरात के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी,
बौखलाहट हम लोगों को नजर आ रही है, जो भाषा का उपयोग नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और गुजरात में दूसरे भाजपा के नेता जाकर जो भाषा का उपयोग कर रहे हैं, इसमें उनकी बौखलाहट नजर आ रही है। कई बार सर ये भी सवाल उठते हैं कि राजस्थान में पंजाब और अगर मान लीजिए आप गुजरात जीतते हैं तो गुजरात का प्रभाव तो तब पड़ेगा जब एक होंगे। अभी तो ये बता रहे हैं कि साहब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के अलग अलग गुट है, दोनों ही गुट है जो अपने अपने अगुआ को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि राजस्थान के अंदर किसी प्रकार का गुट है। राजस्थान की कांग्रेस एकजुट है, एकजुट रहेगी। आप किस आप क्या देखते हैं कि कौन मुखिया लायक तो नहीं कह सकते, दोनों ही लायक होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है अब समय क्या मांग करता है कि कौन होना चाहिए? कांग्रेस एकजुट है और कांग्रेस ने ये अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा हुआ है स्वर समिति से, जिसमें राजस्थान के कांग्रेस के सदस्य और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने ये अधिकार राहुल गांधी जी को सौंपा हुआ है। राजस्थान की जनता की भावनाओं का ध्यान में रखते हैं, राजस्थान में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ध्यान में रखते हुए जो सबसे अच्छा निर्णय होगा वो आने वाले समय में वो करेंगे। सर चर्चा में है कि बायतु से आप विधायक का चुनाव लड़ सकते हैं और उप मुख्यमंत्री की अगर सरकार बनती है दावेदार। मैंने कभी पार्टी में लोकसभा का टिकट भी नहीं मांगा, पार्टी का विश्वास था मेरे पर, मेरे एक बार नहीं दो बार दफे लोकसभा का टिकट दिया। अगर पार्टी मुझे कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी नहीं कहेगी तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे बहुत गर्व है और मैं बहुत संतुष्ट हूं कांग्रेस में कार्यकर्ता के तौर पर कार्य करते हुए। चुनाव लड़ना नहीं लड़ना कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर मेरा उद्देश्य नहीं है। कांग्रेस की पार्टी जो कुछ भी निर्णय लेगी उस निर्णय को मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। सर एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है कि बाड़मेर विधानसभा इस बार बहुत एक बड़े टर्निंग पॉइंट पे है, एक युवा को अगला विधायक चुनाव लड़ाया जा सकता है। हरीश चौधरी पक्ष में है क्योंकि उनसे ये सवाल सबसे पहले बनता है क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व से भी संबंध रखते हैं। मैंने कहा कि टिकट का निर्णय का अधिकार CEC को है, हरीश चौधरी उस टिकट के निर्णय की प्रक्रिया के अंदर राजस्थान में शामिल नहीं। मेरी खुद की जो भी राय होगी उस राय को रखने का अधिकार और व्यवस्था कांग्रेस के अंदर है, जब उचित समय आएगा उचित स्थान पर मेरी राय रखूंगा मैं। बाड़मेर विधानसभा की स्थिति की फीडबैक तो आप लेते होंगे, नगर परिषद की स्थिति, यहाँ पे जो पार्षदों की असंतुष्टि, आम जनता जिस तरीके से चिल्ला रही है, विधानसभा का फीडबैक देखते हुए क्या लगता है कि अगर वही के वही प्रत्याशी रहे तो क्या बाड़मेर में इस बार पसीना बहाना पड़ सकता है? बाड़मेर में कांग्रेस बहुत मजबूत है विधानसभा क्षेत्र के अंदर। नगर पालिका के संदर्भ में मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आज मैं वापस उस बात को दोहरा रहा हूँ कि नगर पालिका के अंदर जो कार्य चल रहे हैं वो संतोषजनक नहीं है। संतोषजनक इसलिए नहीं है कि सरकार की तरफ से जो सहयोग नगर पालिका को मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल रहा है। नगर पालिका के अंदर कांग्रेस का बोर्ड है, कांग्रेस का प्रत्येक पार्षद बहुत रुचि रखकर कार्य करवाने की चेष्टा कर रहा है, पर सरकार की नाकामी है कि बाड़मेर के अंदर बाड़मेर शहर को, बाड़मेर नगर पालिका को नजरअंदाज कर दी। सर सबसे अंतिम सवाल, राजस्थान चुनाव का बिगुल फूंक चुकी है कांग्रेस, जनता को बिगुल फूंकना पड़ेगा राजस्थान के आने वाले चुनाव के लिए। कांग्रेस ने पिछले चुनाव का नतीजा आने के दिन ही अपने तौर तरीके से बिगुल फूंक चुकी थी अगले चुनाव के लिए। बिल्कुल, ये थे बाड़मेर के पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हरीश चौधरी, और उनका स्पष्ट कहना है कि जिस दिन राजस्थान में बीते चुनाव में रिजल्ट आए थे उसी दिन से कांग्रेस ने अपने तौर तरीकों से बिगुल चुनाव में जीतने के लिए फूंक दिया था और ये कैंपेनिंग लगातार जारी है। हालांकि उन्होंने कहा कि सचिन पायलट और गहलोत गुट जैसी कोई बात नहीं है, कांग्रेस पार्टी एक है और हम फिर से राजस्थान की सत्ता में लौटेंगे। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज़ बाड़मेर।